कहते हैं कि आप लोग जो है नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते अगर उनके साथ ईडी, सीबीआई और ईवीएम ना हो, इसका साथ लेकर ही वो मैच फिक्सिंग करते हैं और चुनाव जीतते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ईवीएम में कर्नाटक में वो चुनाव जीते या तेलंगाना में जीते तो उन्हें तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि ईवीएम के चुनाव रिजल्ट्स गलत है, तो उन्होंने रिजाइन करके डिमांड करना चाहिए कि हम सरकार बनाने का बहिष्कार करते हैं, हम तो बैलेट बॉक्स वापस चाहते हैं और उसके बाद ही चुनाव में आएंगे। बार बार तय कर ले भाई क्या उनके मन में कल्पना है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो इमोशनल और ब्लैकमेल करते रहते हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में गया तो बड़ी डेमोक्रेसी सेव सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ, और कभी रामलला का मंदिर के हक में गया कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए तो तब ये सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। ईवीएम का भी फेवर में आया, ईवीएम का भी फेवर में आया एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय हुए, और कितनी सिली बात है कि आज जो लाखों ईवीएम्स देश भर में इस्तेमाल होती है दे आर नॉट इवन इंटरकनेक्टेड ऑन द नेट, मतलब इनका इतनी सोच ओछी है, मतलब आई वुड से इट इज बिलो कंटेम्प्ट टू इवन इमेजिन कि देश में 12 लाख से अधिक कितनी ईवीएम चलती हैं, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो अगर किसी प्रकार का भी कुछ गलत काम हो तो 12 लाख ईवीएम्स को टेम्पर करना पड़े, और उस हिसाब से अगर चले तो विपक्ष की किधर भी कोई सरकार या कोई चुनाव में जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बड़ा सिली नैरेटिव है, पहले से जानते हैं कि हारने वाले हैं तो अभी से ग्राउंड्स बना रहे हैं कि क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे जिससे राहुल गांधी की हार है इससे बचाने के लिए ये ईवीएम की हार है, कल को बोल देंगे शरद पवार की वजह से हार गए, कल बोल देंगे उद्धव ठाकरे की वजह से हार गए क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को बचाना है। रही बात ईडी सीबीआई की, मैं समझता हूँ कानून अपना हिसाब से चलता है, देर इज अ रूल ऑफ लॉ, आपने भ्रष्ट काम किए तो आप पकड़े गए, अगर इफ यू गॉट कॉट विद योर हैंड इन द टिल तो कानून अपना काम करेगा ही। पर एक बात तो है।